सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हमारे साथ छोटी सी प्यारी सी मारुति सुजुकी रिट्स, या कह लीजिए माइलेज मशीन भी इसे कहा जाता है। इसमें आपको 1248 सीसी का इंजन, इनलाइन 4 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है। और अगर माइलेज की बात करें तो इसमें करीब करीब आपको 21 से 22 के एमपीएल का माइलेज बड़े ही आसानी से ये दे देती है। तो जस्ट टेक अ लुक अवर दिस कार। ये कार गाइस आपके सिटी पर्पज़ के लिए बेस्ट है, बिकॉज छोटी साइज़ होने की वजह से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसको चलाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अभी देखते हैं इस गाड़ी में आपको क्या कुछ मिलता है और क्या कुछ सही है इस गाड़ी के बारे में। तो अगर फ्रंट की बात करें गाइस, इसमें आपको हेडलैम्प्स कुछ ऐसे मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर्स आपको हेडलैम्प्स के ऊपर मिल जाते हैं और साथ ही साथ फॉग लैम्प्स आपको नीचे मिल जाते हैं। इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी अच्छी है, करीब 180 एम की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलती है। इसमें आपको टायर R40 इंचज़ के टायर आपको इसमें मिलते हैं। अगर साइड की बात करें, यहाँ पे DDIS की बैजिंग आपको मिल जाती है। ये क्लैडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है गाइस इस गाड़ी में। अगर रेयर की बात करें गाइस, तो इसमें कुछ ऐसा टॉल बॉय वाला इसमें आपको डिज़ाइन मिलेगी इसी का। अगर हम इसका बूट स्पेस आपको दिखाएं, तो बूट स्पेस काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मारुति सुजुकी की बैजिंग, ZDI रेट्स। तो अभी अपन चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और देखते हैं आपको इसमें क्या 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 कुछ मिलता है। तो इसमें आपको सामने से डुअल टोन पे इसके दरवाजे मिलते हैं। ये गाड़ी है 2013 मॉडल। और इस गाड़ी की एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, इसमें आपको अंदर बैठने पे आपको बहुत घुटन घुटन सी फील बिल्कुल भी नहीं होगी। काफ़ी एयरी स्पेस है इस गाड़ी का, एज यू कैन सी। तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा इस पर आपको दिखेगा। इसमें करीब करीब 48,664 किलोमीटर्स ये गाड़ी चल चुकी है। यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ पे दिखेगा, पूरा फ़ोन वाली फील आपको आएगी। यहाँ पे पूरी की पूरी ऑक्स की बटन, USB असिस्ट, FM ट्यून्स, हर एक चीज़ इस पर अवेलेबल है। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट, ये आपका छोटू सो डमरू गियर नॉब है। यहाँ पे कप होल्डर्स भी लगे, यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट की जगह नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा। इस गाड़ी की खास बात यह है गाइस कि इसमें आप थोड़ी ऊंचा बैठते हैं तो आपको इसमें आप काफ़ी ऊंचा बैठते हैं तो आपको एक कमांडिंग पोजीशन मिलती है। और चलने में ये गाड़ी बहुत ही शानदार है गाइस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये गाड़ी हाई स्पीड में इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। और अगर लेग रूम की बात करें गाइस, लेग रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे तो इसको मैंने पूरी तरीके से इसको पीछे कर दिया है। तो राहुल भाई, कैसी जगह आपको मिल रही है वहाँ पे? बढ़िया है, कोई दिक्कत, कंफर्टेबल है। हाँ। तो यहाँ पे आपको लेग स्पेस कुछ इतना मिलता है गाइस, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें कि 2013 से 2016 के बीच ये गाड़ी डायरेक्ट टक्कर देती थी आपके स्विफ्ट जैसी गाड़ी को, मेरे हिसाब से तो स्विफ्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी ये गाड़ी। इन टर्म्स ऑफ लुक या इन टर्म्स ऑफ स्पेसिंग, दोनों ही चीज़ में ये गाड़ी स्विफ्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। बस ये गाड़ी जिनके पास है उनसे पूछे इस गाड़ी की कीमत क्या है, बिकॉज़ ये गाड़ी आप देख के तो बता दोगे कि छोटी गाड़ी है, थोड़ी टॉल बॉय, इसका रेयर साइड का थोड़ी स्पेस आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसी डिज़ाइन की वजह से ये गाड़ी इतने प्यार से, इतने अच्छे से रोड पे चिपक के चलती है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी इस गाड़ी की बहुत गजब की है। अगर हम इस गाड़ी को सेकंड हैंड लेते हैं, इसकी सर्विस कॉस्ट अराउंड आपको 3,000-3,500 रुपये मिल जाएगी। और इसमें माइलेज अच्छा खासा है, मजबूती के मामले में भी गाड़ी एक नंबर, उसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर पॉजिटिव्स की बात करें गाइस, तो इसका जो लुक है वो कुछ हैचबैक की तरह दिखेगा। बट मैं आपको बता दूँ, टॉल बॉय डिज़ाइन के साथ ही गाड़ी आपको आती है, स्पेसिंग परफेक्ट है। गाड़ी में बैठने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली फीलिंग आएगी, बिकॉज इसमें आप थोड़ी सी ऊंचा बैठते हैं एंड आपका जो विजिबिलिटी है, इतना बड़ा जो डैशबोर्ड आपको सामने से दिखता है वो, अच्छा ब्रेजा भी आ गई, इतना बड़ा जो डैशबोर्ड आपको सामने से दिखता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात की जाएगा इस, तो इस गाड़ी में हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी, बिकॉज ऑफ इसका वी टेपर डिज़ाइन जो है उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। इसमें आपको K12 इंजन मिलता है, ये बहुचर्चित इंजन है, आपको इसके बारे में पता ही होगा ये इंजन कितना ज़्यादा स्मूथ है। तो अगर आप सेकंड हैंड पे इस पे जाना चाहते हो, डेफिनेटली जा सकते हैं। आपको ये गाड़ी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं देगी, इन टर्म्स ऑफ लुक, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अगर आप इस गाड़ी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी दे दूँगा, आप वहाँ जाके इस गाड़ी के लिए आप शोरूम पर विज़िट कर सकते हैं। एट लास्ट आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको इस प्राइस पॉइंट में ये गाड़ी मिल रही है तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी के ऊपर जा सकते हैं।
बस इसके इंजन और किलोमीटर्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो एट लास्ट आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। टिल देन टेक केयर, बाय।